सबसे पहले परिंदों को दाने डाल देते हैं। इसके काम चेक करें, पानी भी मैं ले आया था, पानी भी इनको डाल देते हैं। इनको मैंने दाने डाल दिए थे आगे, और पानी इनका ये है, पानी भी इनको रख देते हैं। ये वाले जो मेरे तीन चूजे हैं ना, एक ये बैठा हुआ है, दूसरा ये और तीसरा वो बॉटल के ऊपर बैठा हुआ है। ये पहले आपको पता था इस पिंजरे के अंदर होते थे, लेकिन अब मैंने इन तीनों को इन तीन मुर्गियों के साथ शिफ्ट कर दिया है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तीनों चूज़ों को मैंने साइड में शिफ्ट कर दिया है। वजह यह है कि आपको पता था इन तीन देसी मुर्गियों के साथ एक देसी मुर्गा था जिसको हमने दो दिन पहले ज़िबा कर दिया था, अब वो नहीं रहा। इस वजह से मैंने इन तीनों चूज़ों को इन मुर्गियों के साथ शिफ्ट कर दिया है। और ये अभी तीन जो चूज़े हैं ना, ये थोड़े थोड़े से इन देसी मुर्गियों से डरते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रहने के आदी हो जाएंगे। कल हमने एक काम भी किया था, अभी मैं चल के आपको वो दिखाता हूँ। ये दोस्तों हमने लगाया स्पेशल किस्म का चारा अपनी गायों के लिए। ये मेरे चाचू ने 1000 जड़ मंगवाई थी, 300 हमने लगाई हैं और 700 चाचू ने लगाई हैं। इसकी खासियत ये है कि ये 5-6 साल तक लगातार उगता रहता है। एक बार काटेंगे दोबारा उगेगा, फिर तीसरी बार इसी तरह चलता रहेगा। अब जब ये उगेगा ना, फिर इसका पता चलेगा ये काम करता है या नहीं। अल्लाह करे ये सारा ही उग गए। और वो सामने हमने बरसीन लगाया हुआ है, वो आपको पता है 2 या 3 बार ही होता है। एक बार काटें ये दोबारा उगेगा, तीसरी बार नहाई लगाना पड़ेगा, शायद ही उगे। और ये है हमारा लेसन, हमने इसकी दोबारा गोडी की है। अब तक हम इसकी इतनी ज़्यादा गोडियाँ कर चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं सुबह से कितना ज़्यादा प्यारा मौसम है, अभी तक धूप नहीं निकली और अब वहाँ से थोड़ी थोड़ी सी ना निकलना शुरू हुई है। अभी अभी मैं दोस्तों इधर दाने डाल के गया हूँ, और इतने ज़्यादा परिंदे आए हुए हैं ना, 2 गिलहरियाँ भी आई हुई हैं और बाकी चिड़िया भी आई हुई हैं। मैं अभी पास जाऊँगा, ये सब उड़ जाएंगी। ये देखें कितनी ज़्यादा उड़ के गई हैं, ये देखें। और ये एक गिलहरी बैठी हुई है और दूसरी वो नीचे जा रही है, ये इधर चली गई है। और ये बाकी इधर बैठी हुई हैं चिड़िया, ये देखें। जैसे मैं पास जाता हूँ ये जंगली हैं ना, भाग जाती हैं। और ये एक गिलहरी अभी इधर ये जा रही है, वो चली गई है। अभी इनको ज़्यादा तंग नहीं करते, इनका सुबह का नाश्ता इनको करने देते हैं। मैं आ गई दाने इनको डाल के गया हूँ, दाने और पानी। अभी मैं बजीज के लिए पानी ले आया हूँ, बाकियों को तो मैंने सुबह सुबह ही ना दाने पानी डाल दिए थे। ये रह गए हैं, इनका पानी रह गया, दाने मैंने इनको डाल दिए थे। अभी इनको डाल देते हैं पानी भी। और ये देखे पहले ही ना पानी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये मेल आ गया और ये दूसरा भी आ गया। ये वाले जो हमारे 4 बजीज है ना, जो मैं पहले लाया था, एक ये, 2 वो ऊपर बैठे हुए और एक मुझे लगता है पानी पी रहा है ये सामने। आज इन चारों का इधर आखिरी दिन है। आपको मैंने बताया था कि इन चारों को मैं दे दूंगा, एक्सचेंज करवा दूंगा। ये 4 दे के 4 नए ले आऊँगा, और आज इन चारों को मैं दे दूंगा और 2 में लाऊँगा कि जिनको टोकरे भी बोलते हैं वो वहाँ यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे इन दोनों मुर्गों के लिए। कभी कभार इन दोनों मुर्गों को इनमें भी बंद कर देंगे। अभी मैं जा रहा हूँ, ले कर आऊँगा एक कैचर और पिंजरी। कैचर से पकड़ेंगे इन चारों बजीज को और पिंजरी में डाल के लेकर चलते हैं बर्ड मार्केट, फिर इन चारों को एक्सचेंज करवा के लाते हैं। अभी इन चारों बजीज को पकड़ते हैं और लेकर फिर चलते हैं इनको। और ये भी आ गई है, ये जिधर मैं जाता हूँ पीछे पीछे आ जाती है। अभी बजीज को पकड़ते हैं, यहाँ से भी खोल लेते हैं इसको। एक को मैंने पकड़ लिया है, अब 3 रह गए हैं। ये किधर हैं, वो नीचे बैठे हुए हैं, इनको भी पकड़ते हैं अभी, इन तीनों को। चारों बजीज को मैंने पकड़ लिया है, अभी जल्दी चलते हैं बर्ड मार्केट में, इनको एक्सचेंज करवा के आते हैं।
जी वो भी खुल गई। ये रहे दोस्तों हमारे दो टोकरे और ये हैं हमारे न्यू बजीज जो मैं एक्सचेंज करवा के लाया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गारबी में दोस्तों पहुँच चुका हूँ। अभी इन बजीज को निकालते हैं और पिंजरे के अंदर छोड़ते हैं। बेचारे काफ़ी देर से ना इसके अंदर है, इस पिंजरे के अंदर। अभी पिंजरे को खोलते हैं और इनको अंदर छोड़ते हैं। अभी इन बजीज को अंदर रखते हैं केज के अंदर और इन्होंने दाने भी ख़त्म कर दिए हैं। दाने भी इनको डालते हैं। और फीमेल अभी मटकी के अंदर है और मेल बाहर बैठा हुआ है। और आज इनके चार नए दोस्त आ गए हैं, इनको भी बाहर निकालते हैं। ये भी बाहर निकल जाएंगे। वो सामने एक आ गया, ये देखें माशाल्लाह से। ये दोस्तों आप देख सकते हैं चारों मैंने बाहर निकाल दिए हैं। ये आप देखें, मैं एक ग्रीन कलर का पेड़ लेके आया हूँ, वो सामने जो मटकी के ऊपर बैठे हुए हैं। इस तरह के मेरे पास पहले भी एक पेड़ है जिन्होंने बच्चे दिए हुए हैं और दो ये हैं। ये ऊपर फीमेल है और ये नीचे, ये सामने मेल है। ये आप देखें, अब इधर खुश रहेंगे। पहले इनको दाने डालते हैं। दाने में इनके ना कम है। ये इतने से दाने मैं इनको डाल देता हूँ और अभी इनका पिंजरा बंद कर देते हैं। अब अल्लाह करे वो देखें सामने चार बैठे हुए हैं। ये भी ब्रीड करें जिस तरह उन्होंने की है जल्दी जल्दी। वो तो बेचारे चले गए जो पहले चार थे, अब ये एक्सचेंज हो के न्यू आ गए हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये ब्रीड करेंगे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये वाला जो मेल है ना, ये मेरा सबसे पहले वाला मेल है। जो वो मटकी के अंदर फीमेल बैठी हुई है, ये इसका मेल है। और ये जो है ना, ये मैं न्यू लेके आई हूँ। ये तकरीबन दोनों सेम ही हैं, बस इसमें ग्रीन कलर ज़्यादा है और उसमें ना येलो थोड़ा कलर ज़्यादा है। वो इसके आप परों के ऊपर देख सकते हैं, येलो थोड़ा ज़्यादा है और इसका ग्रीन है। ये तकरीबन सेम ही हो गए हैं। और वो तीन सामने जो है ना, एक मेल और दो फीमेल, वो उधर बैठी हुई हैं। उनको पता नहीं थोड़ा सा डर लग रहा है, नई जगह ना, आहिस्ता आहिस्ता रहने की आदि हो जाएंगी। अभी इनका ये पिंजरा बंद कर देते हैं। और ये रहे हमारे टोकरे। अभी मैं कैंची लेकर आता हूँ और ये हाथ से तो नहीं खुलेगा। ये सेबे से उन्होंने बांध के दिए थे दोनों। अभी इनको खोलते हैं और इनके अंदर ना फिर दोनों मुर्गों को बंद करते हैं। यहाँ से इसको काट देते हैं और ये आ गया हमारा पहला टोकरा और ये आ गया दूसरा। ये पहले मेरा दिल था यहाँ पर मैं रख दूँगा, एक वहाँ पर और एक यहाँ पर, लेकिन इधर जगह बहुत ज़्यादा कम है। इस वजह से ना अब मैं इन दोनों को ना इस पिंजरे के आगे उधर रख दूँगा। अभी इनको इधर से उठाते हैं और उधर रखते हैं और फिर इनके अंदर ना दोनों मुर्गों को छोड़ेंगे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों टोकरों में ना मैंने दोनों मुर्गों को बंद कर दिया है। ये आप देखें, ये भी इसमें मज़े से है और ये भी मज़े से, और आपस में ना लड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लड़ नहीं सकते। मैंने थोड़े थोड़े ना फासले पर इनको बंद किया हुआ है। और ये मैं आगे देख रहा था, ये आप देख रहे हैं ये तारें निकली हुई हैं, इनको बैंड कर देते हैं आगे से। ये ना हो मुर्गियों को ज़ख्मी कर दें, इनकी आँख वगैरह में लग जाए। और इसको भी बंद कर देते हैं और थोड़ा सा टाइम ये इसमें रहेंगे, फिर हम ना इन दोनों को बाहर निकाल के वापस पिंजरों के अंदर बंद कर देंगे। ये देखें इसको बाहर निकालते हैं। इसको मैंने बंद कर दिया था, ये इतनी ज़्यादा शरारतें कर रही थी। और अभी इसको मैंने उठा लिया और इसको दूध पिलाते हैं। ये दोस्तों अब इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई और इतना जल्दी दूध पी लेती है ना, ये देखें आप, ये एक तरफ से पी चुकी है और अब दूसरी तरफ से पीना शुरू किया। वैसे ये बहुत ज़्यादा जल्दी पी लेती है और अभी ये पी चुकेगी जब, फिर हम इसको छोड़ देंगे इधर ही खुला। इन सब को भी मैं बाहर निकाल देता हूँ।
ये बाहर घूमती रहेंगी और फिर खुद बहुत ही अंदर चली जाएंगी। और थोड़ी देर के लिए धूप निकली है और फिर ख़त्म हो गई है। ये अब मौसम देख सकते हैं सुबह का इसी तरह बना हुआ है। गोट फार्म में दोस्तों एक और खुशखबरी भी आने वाली है, वो ये है कि हमारी ये वाली जो बकरी है ना, ये भी बच्चे देने वाली है। पता नहीं एक देती है या दो, इसका भी टाइम थोड़ा ही रह गया है। और ये वाली जो बकरी है और ये जो बकरा है, ये दोनों बहन भाई हैं। और एक ये वाली बकरी और वो वाला बकरा, ये भी दोनों बहन भाई है। और इनकी जो माँ है ना वो ये है, ये देखें इसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं ना सिर्फ फ्राइडे वाले दिन ही वीडियो अपलोड करता हूँ, वजह यह है कि साथ साथ स्टडीज़ भी हैं। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता मैं वीक में 2 या 3 वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।